हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज हम बात करेंगे काउ मिल्क के बारे में कि क्या काउ मिल्क बच्चों को देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो किस एज में देना चाहिए, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर हम उसे बच्चों को देते हैं, या क्या बेनिफिट्स हैं काउ मिल्क के। आज हम काउ मिल्क के बारे में पूरे तरह से सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, क्या काउ मिल्क 1 साल तक के बच्चों को देना चाहिए या नहीं? तो आंसर है नो। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल है या 1 साल से कम है तो आपको काउ मिल्क बिल्कुल भी, गाय का या किसी भी तरह के किसी भी जानवर का जो दूध है, जैसे कि गाय का दूध और भैंस का दूध या फिर बकरी का दूध, किसी भी तरह का दूध मदर मिल्क के अलावा या फॉर्मूला मिल्क के अलावा आपको नहीं देना है, अगर आपके बच्चे की उम्र कितनी है, 1 साल या 1 साल से कम। अब क्यों नहीं देना है? क्योंकि जो ये जितने भी एनिमल वाले जो ये आपके मिल्क हैं, इनके अंदर जो प्रोटीन का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। जो प्रोटीन अमाउंट अगर हम देखा जाए तो जो ब्रेस्ट मिल्क है, मदर मिल्क है, उसमें 1.1 to 1.2 के आसपास मिलता है। और अगर हम बात करें कि ये जो एनिमल मिल्क हैं उसमें आपको 3.1 से लेकर 3.3 ग्राम्स तक मिल जाता है। तो अब अगर मैं इन चीज़ों की बात करूँ तो आप ये देखें कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो प्रोटीन का अमाउंट है उससे ऑलमोस्ट 3 times मिल रहा है आपको जो एनिमल मिल्क में मिल रहा है। तो इतना हाई अमाउंट जब प्रोटीन बच्चे के अंदर जाता है तो वो उसकी बॉडी पे, उसकी किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड डालता है, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत लोड डालता है, बॉडी उसको इतने ईजिली प्रोसेस नहीं कर पाती। और ये भी देखा गया है कि इस तरह के बच्चों में आगे जाके किडनी फेलियर तक की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सर्जरीज करनी पड़ जाती हैं और डायलिसिस तक पर जाना पड़ जाता है। तो इसलिए इस तरह का मिल्क नहीं देना है। दूसरा, क्यों नहीं देना है? इसलिए नहीं देना है क्योंकि जो गाय का दूध होता है उसके अंदर जो है आयरन का जो अमाउंट है वो बिल्कुल बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट है। तो अगर इन बच्चों को 1 साल से कम की उम्र में या 1 साल तक के बच्चों को गाय का दूध दिया जाता है तो इनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। और जो आयरन है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड सेल्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बनाने के लिए और बहुत सारे वाइटल फंक्शंस के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जरूरी है बॉडी के अंदर। तो इसीलिए अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो बच्चे को बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो मदर मिल्क है, मदर मिल्क में भी आयरन का अमाउंट कम पाया जाता है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है। और अगर मैं बात करूं इन कंपैरिजन टू आपके इससे गाय के दूध से, तो गाय के दूध में जो है आयरन का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी बिल्कुल निल है। दूसरा, जो विटामिन सी है, विटामिन सी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता गाय के मिल्क में, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन बच्चों में जो है विटामिन सी डिफिशियंसी भी हो सकती है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि अगर आपका बच्चा गाय का दूध ले रहा है तो उसकी उम्र 1 साल से ऊपर होनी चाहिए, 1 साल से कम वाले बच्चों को इस तरह का दूध नहीं देना है। 6 महीने तक के बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर नहीं करा पा रही है तो आप जो है फॉर्मूला फीड दीजिए, फॉर्मूला फीड के अलावा आपको कोई और दूध नहीं देना है 1 साल तक के बच्चों को। ओके, अब अगर मैं बात करूँ तो क्या इसमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं गाय के दूध के? तो हाँ, गाय के दूध के बेनिफिट्स भी होते हैं इसमें। जैसे हमने बात की कि प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा है और वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है तो बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट इसमें अच्छे अमाउंट में पाया जाता है तो डेवलपमेंट वगैरह, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है गाय का दूध जो है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें हमें उससे मिल जाती हैं। तो क्या बच्चे को हम इसे 1 साल से कम क्यों नहीं दे सकते हैं? इसलिए क्योंकि 1 साल से कम वाले बच्चों में उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो इतनी हार्ड प्रोटीन वाली चीज़ को डाइजेस्ट कर सकें। पर जब 1 साल से बड़े उम्र का बच्चा हो जाता है, और दूसरा, 1 साल से कम के बच्चों को हम जो है आजकल विटामिन डी की जो ड्रॉप्स आती हैं वो भी पिलाते हैं, ठीक है? तो इसलिए इन बच्चों को आप बिना गाय के दूध के चला सकते हैं। जब 1 साल से बड़ा बच्चा हो जाता है तो आप उसको गाय का दूध इसलिए दे सकते हैं क्योंकि अब एक्चुअल में जो प्रोटीन का अमाउंट है वो ज़्यादा बॉडी डाइजेस्ट भी कर सकती है और बच्चे को रिक्वायरमेंट भी है। अब हमने जो हम ड्रॉप्स देते थे विटामिन डी की, वो हमें 1 साल तक ही देनी थी तो वो हमने बंद कर दिया है, तो अब हमें विटामिन डी भी अच्छे से मिल जाएगा। और आयरन क्योंकि गाय के दूध में कम होता है तो आयरन के लिए अब बच्चा क्योंकि खाने लग जाता है, 1 साल से बड़े बच्चे को आप खिला सकते हैं इजीली, तो वो फूड मटेरियल से आयरन वगैरह इजीली ले सकता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हमें बच्चे को गाय का दूध इंट्रोड्यूस करना है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि पहले हम उसे और फूड मटेरियल्स के साथ थोड़ा थोड़ा मिला कर दें, धीरे धीरे उसका रेशो बढ़ाएं। शुरू में ट्राई करें कि गाय का दूध पूरे दिन में
एक टाइम दे, अगर बच्चा 3 बार दूध पीता है तो पहले 1 बार दे, उसके बाद फिर 2 बार देना शुरू करें, फिर उसको चाहे तीनों टाइम के दूध में गाय का दूध देना आप स्टार्ट कर सकती हैं। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करो तो हो सकता है बच्चे को किसी तरह की एलर्जी हो जाए, इनटॉलरेंस हो जाए, ये फूड उसको डाइजेस्ट ही ना कर पाए। अगर बच्चे को लूज मोशन होने लगे या वॉमिटिंग होने लगे गाय के दूध से, तो आपको ट्राई करना है कि वो बच्चे को नहीं देना है। तो आज की वीडियो में हमें पता चला कि गाय का दूध क्यों बच्चे के लिए हार्मफुल है, क्योंकि गाय का दूध बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्या क्या रीजन है, आयरन नहीं होता उसके अंदर, इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें, क्या विटामिन सी नहीं होता, तो हमें बिल्कुल भी ये बच्चे को 1 साल से कम उम्र में नहीं देना है। कुछ लोगों को होता है कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा देते हैं और उसके बाद जो है 6 महीने से बड़े बच्चों को वो फिर गाय का दूध देना शुरू कर देते हैं, तो नहीं। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हो तो आप उसे कंटिन्यू कर सकती हैं, और अगर आप फॉर्मूला फीड देना चाहती हैं तो नंबर 2 वाले फॉर्मूला फीड आते हैं जिन्हें 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक के बच्चों को दिया जा सकता है, आप वो फीड देना स्टार्ट कीजिए, और 1 साल के होने पर आप उसे गाय का या किसी भी और एनिमल का, अगर बफेलो का, गॉट का देना चाहें तो दे सकती हैं। बट अगर मैं आपसे बकरी के दूध की बात करूँ तो उसमें जो है विटामिन B12 और फोलिक एसिड बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है, जो ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बकरी के दूध को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, आप गाय का दूध दे सकती हैं क्यों 1 साल से बड़े बच्चों को, क्योंकि उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर मिल्क सप्लाई इंक्रीज करने से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे चैनल पे ब्रेस्ट फीडिंग की पूरी सीरीज है, वहां से देख सकती हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो और मदर्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे करके ऑन कर दीजिए, जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।